हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिल सके। इस वक्त की IPL से रिलेटेड 3 बड़ी खबरें मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं। उनमें से बुरी खबरें भी है और अच्छी खबरें भी हैं। पहली खबर जो निकल के आ रही है वो ज़बरदस्त अच्छी खबर निकल के आ रही है, जिस खबर के लिए हम पिछले 1 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरकार वो दिन आ गया है, आज IPL का शेड्यूल आने वाला है। BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने बयान दिया था कि आज यानी फ्राइडे को ज़रूर शेड्यूल आएगा। अब लगेगा पता आधा आएगा या पूरा आएगा, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक आधा ही आएगा, यानी लगभग 13-14 अक्टूबर तक ही शेड्यूल तय किया जाएगा। उसके बाद अलग से शेड्यूल तय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल IPL का शेड्यूल आज आना लगभग तय है। और BCCI के एक सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन का ही पहला मैच हो सकता है। अब ये तय तब होगा जब IPL का शेड्यूल होगा। जब जब शेड्यूल आएगा तब मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। और दूसरी खबर इस वक्त निकल के आ रही है वो IPL के लिए बुरी खबर है, IPL में अंपायरों से रिलेटेड खबर है। इस साल आपको इंटरनेशनल अंपायर नहीं दिखेंगे, यानी ICC के अंपायर जो एलियट लिस्ट में आते हैं वो इस साल आपको IPL में नहीं दिखेंगे। कुछ दो तीन अंपायरों ने हाँ कर दी है, लेकिन बाकी कोई भी अंपायर, कोई भी मैच रेफरी इस साल IPL में नहीं दिखेगा। और इस साल आपको सिर्फ भारतीय अंपायर और भारतीय रेफरी IPL में दिखेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, ये खबर निकल के आ रही है और तीसरी खबर निकल के आ रही है वो BCCI के हवाले से निकल के आ रही है। BCCI का एक हेल्थ यानी हेल्थ वर्कर पॉजिटिव पा चुके हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये BCCI का एक हेल्थ वर्कर है जो मेडिकल टीम के साथ था, वो टेस्ट पॉजिटिव कर गए हैं। और ये तीनों खबरें सुनने के बाद आपको जो खबर अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।